अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अयाज भी बिल्कुल ठीक ठाक है। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या फ़िल्म करना चाहिए क्या नहीं। और इसके साथ साथ मैं जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है ना, यानी जो यू टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील्स हैं उनके ऊपर फोकस करी हुई थी, और वो आगे भी मैं कंटिन्यू ही रखूँगी। तो इसलिए फिर वो उसको भी फिल्म करना, एडिट करना, आइडियाज़ सोचना, तो उस सब में भी जो है ना आपको पता ही है एफर्ट लगता है। तो वो जब मैं कर लेती थी अपलोड कर लेती थी, मुझे ऐसा लगता था चलें आज का मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का काम था ना वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं भूल ही जाती थी कि मुझे व्लॉग भी करना है, जबकि कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में था कि काफ़ी दिन हो गए हैं यूट्यूब पर कुछ नहीं डाला। और आप सबको भी पता है कि यूट्यूब मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि यहाँ पर ना आप बिल्कुल यू कैन बी जस्ट योरसेल्फ। यहाँ कोई फिल्टर्स नहीं होते, यहाँ पे कोई पर्दे नहीं होते, यहाँ पर आप जैसे हो वैसे हो सकते हो और लंबी चौड़ी वीडियोस बना सकते हो, बातें कर सकते हो और अपने जैसे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली। तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जी जैसा कि आप देख सकते हैं नाश्ता बना रही थी मैं अपने और अयाज़ के लिए मैंने बर्गर बनाया था पैटीज़ के साथ, और ख़ुद के लिए बनाया था अंडा पराठा काफ़ी सारे दिनों के बाद। साथ साथ हम लोग एक सीज़न है द जेंटलमैन के नाम से, वो देख रहे थे। शुरू अयाज ने किया था और फिर एंड की आखिरी दो एपिसोड्स में मैंने भी बोला चलो मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, फिर मैं भी उसके साथ देखने लग गई। आप बताएं सब ठीक ठाक है आपकी तरफ? और गर्मी से जो है ना वो बच के रहें, हाइड्रेट होके रहें जी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो गई हैं कराची में भी। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सत्तू जो मिलते हैं ना वो ला के घर पे रख लूँ और सत्तू पीना शुरू करें हम लोग। और हर दिन ऑफिस से बाद जाकर कुछ ना कुछ ड्रिंक पीने का दिल कर ही रहा होता, तो फिर हम लोग यही करते हैं कि पाकोला बना लेते हैं, कभी थादल बना लेते हैं। इधर फिर मैंने जो है वो साथ चल ही रही थी एपिसोड, तो साथ मैंने कहा चलो मैं फटाफट से अपना जो 2-3 स्टेप्स का मेरा मेकअप है वो मैं कर लूँ। ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ आपको पता ही है, और वैसे भी हर रोज़ आपको तैयार होना ना, हर रोज़ तैयार होना हो तो वैसे ही आपको तैयार होना मुसीबत लगने लग जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना सिंपल हो सकता है अपनी तैयारी को रखूँ। बस ये है कि मूड हा के ऑफिस नहीं जा सकती, वरना मैं तो वो भी करने को तैयार हूँ। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर फॉलो नहीं करते तो मैं यहाँ पर लिंक्स ऐड कर दूँगी, प्लीज़ जाएँ फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आपको भी पसंद आएगा। इधर फिर हम लोग ग्रोसरी करने निकले हुए थे पापा लोगों की, और यहाँ से अब व्लॉग को जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं रियल टाइम में। मिलते हैं आपसे गाड़ी में, मैं अपना वॉलेट ले लूँ अंदर से। यार ये इतना मज़ेदार वॉलेट है ना, मैंने ECS से लिया था, ECS से, और पता नहीं सालों हो गए हैं इसको, शादी से पहले लिया था मैंने और हमारी शादी को माशाल्लाह से 2 साल से ऊपर हो गए और ये अब तक चल रहा है और हर रोज़ मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। बराबर में कंस्ट्रक्शन हो रही है और दिन रात हम ये आवाज़ें सुन रहे होते हैं। बट हेलमेट पहनना चाहिए पता है, रोड के ऊपर ना फीमेल बाइक राइडर्स को देख के हमेशा मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ और अयाज को बोलती ये देखो, लेकिन हमेशा मैं डिसअपॉइंट भी होती हूँ क्योंकि हेलमेट नहीं लगाया होता। मोस्टली 99% फीमेल जो बाइकर्स होती हैं उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता। क्यों करती हैं ऐसा? हेलमेट लगाया करें ताकि और ज़्यादा जो है ना अच्छा लगे आपको देख के। और बाकी मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। Are you also waiting for food? Bye. तेरे लिए घर बनाओगे? हाय बशीर, तुम कितना सोचते हो मेरा। चल रोटी खा ले फिर रोटी। ये देखिए जी खाने में आज है चने और हाथ अटैंजर आप क्या है चिकन में, ये कुछ अच्छा बना। पीपल वर सेइंग कि बस फारिक सा था। हाँ ठीक है,
हलवा पूरी के साथ वैसा सालन था वो। उस दिन हमने क्या देखा, यहाँ पर सकुरा पे एक बेकरी है, क्या नाम है, दिल पसंद के नाम से। वहाँ हम लोग गए कोई 12-1 बजे छुट्टी वाले दिन, और वो हलवा पूरी सर्व कर रहे हैं भाई ताज़ा, और वहाँ बैठी खा रही है। हर वक्त आइसक्रीम खाने गए थे, मैंने भाई इस वक्त पूरे कराची में ना यहीं पे ताज़ा हलवा पूरी मिल रही है। आई थिंक अपनी सारी ब्रांच उस पर करते होंगे, कभी कुछ हल्का खाने का दिल करेगा ना हल्का पूरी। हाँ, उसमें था शवरमा था, हलवा पूरी थी, बारबेक्यू आइटम्स थे, और काफ़ी ज़्यादा था। हमें मैंने ना फयाज से बोला था कि आज हम लोग जिम शुरू करेंगे आपसे, लेकिन मुझे जो है ना अचानक से इतनी कोई जोरों की क्रेविंग हो रही है ना चाट खाने की, हाय अल्लाह मैं क्या बताऊँ। अब मेरा दिल कर रहा है कि हम लोग दोराजी जाएँ, वहाँ जाके चाट खा कर आए। क्या जिम करना है हमने, हम जैसे लोगों ने क्या जिम करना है भाई। तो अभी मैं आयाज को बोलूँ तो पहले तो उसने हंसना है मेरे ऊपर, फिर कुछ बोलेगा कि हाँ चलते हैं नहीं चलते हैं। बस लगा गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। चलिए जी, ऑर्डर कर दिया हमने, मैंने मंगवाया है फ्राइज और बन कबाब, अयाज ने मंगवाया है फॉर एवर फेवरेट इफ नॉट ब्रोस्ट देन रोल। ये तुम्हारी दो गोडू चीज़ें हैं ना, या ब्रोस्ट या रोल। भूख नहीं लग रही थी, मैंने खाना खाया बस। ये जिम करने का बोल रही थी, इतनी झूठी है, जिम करूंगी और फिर ये मुझे ले आती है। कल से हम जिम करेंगे, पक्की बात है, कल से हम डेफिनेटली करेंगे। परसों से छुट्टी हो जाएगी, फिर हम जरूर जिम करेंगे। नहीं नहीं, कल हम जिम करेंगे और सैटरडे को भी मैं जिम करके ही घर आऊँगी। और जी नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब देखना तुम, मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, लेकिन बन कबाब फर्स्ट। आई एम कंसिस्टेंट जिम, ये इनका 2 किलो का डंबल है, इससे बोलो फ्राइज कब आएंगे। फ्राइज ये जी मेरा बन कबाब, टेस्ट करें। नहीं नहीं, हैव इट ना। अरे मैंने बोला था तू और मंगा लेंगे। टेल यू गाइस कि कैसा है, गर्मा गर्म। वैसे लोग जो अलहदा मंगवाते हैं, क्योंकि इसने पूछा हमसे कि भाई बना हुआ चाहिए कि अलहदा चाहिए, तो वो कैसे खाते हैं ऐसे, लाइक बना हुआ ही बन कबाब होता है। नहीं, वो उसके अंदर खुद से डालना चाहते हैं या अपनी मर्जी से ब्रेड तोड़ तोड़ के खाना चाहते हैं। ज़्यादा पंजाब में आता था गोला गंडा वाला, हम भागते जाते वो ऐसे खश 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 बर्फ करके उसको अपने गंदे गंदे हाथों से ऐसे बना के स्टिक के ऊपर, फिर बोतलों में से वो रंग बिरंगे रंग ना, हमने उससे बोला अंकल अंकल ग्रीन वाला ज़्यादा डालो, वो ग्रीन वाला ना बड़ा मीठा सा होता था, वो अच्छा लगता था। फिर आपको याद होगा, ऐसा तुम्हें भी याद होगा, वो जो छोटी छोटी थैलियों के अंदर ड्रिंक्स आती थी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्कूल के बाहर खड़े होते थे वो लोग कि बच्चे निकले और हम अटैक करें। I don't know why they stopped. हाँ
आई थिंक यार वो सेफ तो था नहीं, खैर वो मुल्ला सही था, वो जो सेफ हुआ होगा किसी के हाथ से नहीं था, पता नहीं महंगी हो गई होगी। फी राइज आ गए हमारे बशीर, हाय आ गए, आहो ते फ्रेश बन के आई नहीं, आ क्रंच जितना मैं सोचता हूँ ना कि मैं नहीं खाऊंगा ये चीजें हैं, तुम उतना ही खिलाती हो मुझको, देखो हम साथ में मिलकर कट डाउन करेंगे इंशाल्लाह एक दिन। छोटे बच्चे हैं यार जिनको लगा देते हैं लोग इन कामों पे, कुछ को किडनैप करके लेके आए हुए होते हैं दूसरे शहरों से और कुछ इनके अपने होता है। ओके तो घर वापस आके शॉवर लिया है, चेंज किया है, हल्की फुल्की सी स्किन केयर की है, वो ही मतलब स्क्रब किया है, कॉफ़ी वाला जो बना के रखा हुआ मैंने, लोशन लगाया है, दैट्स इट। और अब ऐसा सुकून मिल रहा ना क्योंकि मोटर चलाई हुई थी, ऐसा कोई ठंडा पानी आ रहा था, मज़े आ गए। तो अभी बस एक सीज़न देख रहे थे मैं और आयास द जेंटलमैन, उसकी एक आखिरी एपिसोड रह गई, मैंने कहा चलो वो देख के फिर सोचता है, तो मैंने सोचा चले अपना ब्लॉग भी मैं उसी नोट पर एंड कर दूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर लें अगर नहीं किया तो, मैं दोनों हैंडल्स यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।